सब्सक्राइब कीजिए विकी व्लॉगर को और साथ ही दबाए इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के सारे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं महाराष्ट्र के पुणे में बसे शनिवारवाड़ा की। शनिवारवाड़ा महाराष्ट्र के पुणे स्थित एक मराठा साम्राज्य का प्रतीक है। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव प्रथम ने 1730 में मोठा नदी के किनारे किया था। माना यह जाता है कि इस महल का निर्माण करने में उस वक्त 16,120 रुपए का खर्च आया था, जो कि उस वक्त एक बड़ी रकम हुआ करती थी। वैसे देखा जाए तो शनिवारवाड़ा 7 मंजिला एक बड़ा महल था। इतिहासकारों की माने तो बाजीराव पेशवा के कमरे से आलंदी का संत ज्ञानेश्वर का मंदिर दिखाई देता था, जो कि शनिवारवाड़े से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह भी माना जाता है कि शनिवारवाड़े में एक साथ 1,000 लोग को रहना संभव था, इससे आप शनिवारवाड़े की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। शनिवारवाड़ा में प्रवेश करने के लिए 5 मुख्य प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, जिनमें दिल्ली दरवाजा, मस्तानी दरवाजा, नारायण दरवाजा, गणेश दरवाजा और खिड़की दरवाजा के नाम से जाने जाते हैं। इन 5 प्रवेश द्वार के अलावा शनिवारवाड़े में 9 बुरुज है। दिल्ली दरवाजा। दिल्ली दरवाजा मराठों की राजकीय महत्वाकांक्षा को दिखाता है। इस किले का यह सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा दरवाजा है। दुश्मन के आक्रमण के समय इस दरवाजे को हाथी न गिराए, इसलिए दरवाजे पर लोहे की कील लगाई थी। दरवाजे के ऊपर नगा खाना है, जो कि लकड़ी से बनाया गया है। यहाँ से शनिवारवाड़े का एक बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। गणपति रंगमहल। यह जगह पेशवाओं के मनोरंजन के लिए बनाई गई थी। जब अंग्रेज अधिकारी कैप्टन मुरू ने इस किले को भेंट दी तो उसने एक साथ 100 नृत्यांगना को यहाँ नाचते हुए देखा, ऐसा जिक्र इतिहास में मिलता है। सभी नृत्यांगना को गणेश दरवाजे से प्रवेश मिलता था, ताकि वो सीधे रंगमहल के अंदर पहुंच सके। इस दरवाजे के बाहर पेशवाओं ने गणेश मंदिर भी बनवाया था, और इसी कारण इस दरवाजे को गणेश दरवाजा भी कहा जाता है।
हजारी करंजे यानी के थाउजेंड ऑफ फाउंटेन। इन फव्वारों का निर्माण बाल पेशवा सवे माधवराव के मनोरंजन के लिए किया था। 16 कमल के फूल की पंखुड़ियों से बनाए गए इस फव्वारे से 80 फीट ऊंचे पानी के फव्वारे उड़ते थे। ये फव्वारे उस वक्त के जमाने में काफी जटिल तकनीक मानी जाती थी। रंग महल के बाजू में एक छोटा गार्डन भी बाल पेशवा सवे माधवराव के लिए बनाया गया था। आपको बता दें कि सवाई माधवराव पेशवे अपने जन्म के साथ ही पेशवे बने थे। इन सब के अलावा शनवारवाड़ा में बाजीराव पेशवा का निवास स्थान, रघुनाथराव पेशवे के रहने की जगह, पेशवाओं के रानियों के कमरे, आरसे महल आदि जगह के बचे हुए खंडर दिखाई देते हैं। सन 1773 में तत्कालीन पेशवा नारायण राव को उनके चाचा रघुनाथ राव ने गार्दियों से महज 18 साल की उम्र में उनकी हत्या करवाई थी। नारायण राव अपने चाचा से मदद के लिए काका माला वाचवा यानी कि चाचा मुझे बचाओ की गुहार लगाते रहे, लेकिन चाचा ने उनकी नहीं सुनी और नारायण राव की हत्या कर दी। और ये माना जाता है कि नारायण राव पेशवा की आत्मा अभी भी इस किले में भटकती है और रात को काका माला वाचवा की गूंज आज भी शनवारवाड़ा में सुनाई देती है और इसी कारण शनवारवाड़ा आज भी देश की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। पुणे नगर निगम ने मराठों का इतिहास दर्शाने वाला लाइट एंड साउंड शो भी शनवारवाड़ा में देखने की सुविधा पर्यटकों को मुहैया कराई गई है। तो दोस्तों, ये थी शनवारवाड़ा के बारे में कुछ रोचक जानकारी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रैवल एंड टूरिज्म के वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।